स्टूडेंट बीएसटीसी सेकंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो सिक्स पेपर है जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। आपका जो पेपर है उसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। और आपकी जो यूनिट है इसमें वो यूनिट आपकी सेकेंड ईयर चल रही है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्रामर टीचिंग स्ट्रेटजीज। ग्रामर टीचिंग स्ट्रेटजीज यानी ग्रामर को पढ़ाने के लिए क्या व्यूह रचनाएं होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर टीचिंग इज नेसेसरी इन प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस जो बेसिक नॉलेज जो नींव हमारी बनती है ग्रामर की वो प्राइमरी क्लासेस से बनती है। तो सबसे ज़्यादा ग्रामर पढ़ाने की जो हमें आवश्यकता पड़ती है वो प्राइमरी क्लासेस में ही पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वी हैव टू गिव नॉलेज इन द प्राइमरी वी हैव टू गिव द नॉलेज ऑफ ग्रामर इन प्राइमरी क्लासेस क्योंकि ये हमारी नींव जहाँ पर हमारी बेसिक जो आधार बनता है जो नींव बनती है वो प्राइमरी क्लासेस में बनती है। तो प्राइमरी क्लासेस क्यों होती है किस लिए पढ़ाना चाहिए उसके लिए ये है कि जो ये हेल्प करती है डेवलप्स द पावर ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग। इट डेवलप्स द पावर ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग क्योंकि इससे क्या होता है विद्यार्थियों में जो उनकी सोचने की और समझने की जो तर्क शक्ति है वो डेवलप होती है। इसके अलावा इसलिए इसको सिखानी चाहिए। दूसरा जो है इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग ऑफ करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग द करेक्ट लैंग्वेज हैबिट। करेक्ट लैंग्वेज हैबिट जो करेक्ट लैंग्वेज हैबिट होती है वो भी इससे जो ग्रामर है उससे डेवलप होती है। दूसरा इट प्रोवाइड सिस्टमाइज नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। इट प्रोवाइड सिस्टमाइज नॉलेज ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। एक सिस्टम होता है जो नॉलेज का वो हमें प्रोवाइड कराता है मतलब लैंग्वेज किस तरह से लैंग्वेज का हमें नॉलेज देना चाहिए वो सिस्टमेटिक व्यवस्थित रूप से हमें प्रदान कराता है। दूसरा इट हेल्प्स इन स्पीकिंग। इट हेल्प्स इन स्पीकिंग एंड राइटिंग करेक्टली। स्पीकिंग एंड राइटिंग करेक्टली जो ये हमारी हेल्प करता है कि किस तरह से जो है किस तरह से इसको मतलब हमें स्पीकिंग किस तरह से करेक्टली करनी चाहिए किस तरह से हमें सिस्टमैटिक तरीके से लैंग्वेज को लर्न करना चाहिए गेन करना चाहिए वो हमें सिखाता है। स्पीकिंग राइटिंग को किस तरह करेक्टली होता है वो हमें ग्रामर सिखाती है क्योंकि ग्रामर जो है मैंने आपको बताया था साइंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन या साइंस ऑफ लैंग्वेज हम इसको कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको ग्रामर के बारे में पढ़ाया था। तो अभी जो है इन प्राइमरी क्लासेस अ टीचर ऑफ इंग्लिश शुड टीच ग्रामर एज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश वर्क। वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है आपने देखा होगा आपके घर में भी छोटे बच्चे तो पार्ट ऑफ स्कूल का जो इंग्लिश वर्क होता है उसी तरह से इसको पढ़ाया जाता है नॉट एज अ सेपरेट स्टडी। इसकी कोई सेपरेट स्टडी नहीं होती। जब हम टेक्स्ट पढ़ा रहे होते हैं टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे होते हैं तो उसके अंदर कोई जनरल हमारे ग्रामर्स के जो चीज़ें आ जाती हैं उसको हम कराते हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया या फिल द प्रॉपर वर्ब या अप्रोप्रिएट वर्ब या अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव ये सब हम उसमें यदि टेक्स्ट बुक में आया है तो उसके अकॉर्डिंग सिखाते कोई अलग से हम इसको नहीं सिखाते थे प्राइमरी क्लासेस में जनरली। पर अब जो है प्राइमरी क्लासेस में अलग से आपने देखा होगा इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक अलग आती है और ग्रामर की बुक अलग से आती है। दस द ग्रामर टॉट इन स्कूल शुड बी प्योर ग्रामर और ग्रामर ऑफ फंक्शन नॉट ऑफ फॉर्म्स। तो ग्रामर के फंक्शन की तरह से पढ़ाया जाता है नॉट ऑफ फॉर्म। A person's ability in language is judged not by the amount of grammar he knows, but by his skill in the using that language. So grammar से उसकी कोई skill को उसकी जो ability उसको gain count नहीं किया जाता बल्कि जो skill उसने develop की उस skill को देखा जाता क्योंकि grammar एक skill नहीं ग्रामर इज अ फॉर्म होता है लैंग्वेज का
बाकी ग्रामर कोई स्किल नहीं है, लैंग्वेज स्किल है जो वो देखी जाती है। अब क्या है, द स्कोर गुड मार्क्स इन ग्रामर स्टूडेंट टू इन्जॉय ग्रामर क्लासेस। कई बार क्या था, दे सेट अपार्ट पीरियड्स ऑफ ग्रामर। अब स्कूलों में सेपरेट पीरियड्स जो है अपार्ट किए गए हैं, जिसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर को सीखते हैं और वो उसको इन्जॉय भी करते हैं, और उनके जो ग्रामर में जो स्कोर करते हैं वो मार्क्स वो भी अच्छे आते हैं। द सिलेबस इन ग्रामर फॉर सेकेंडरी स्कूल हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड ऑल ओवर द कंट्री जनरली कवरिंग द फॉलोइंग एरियाज। अब जो हमारे जो स्कूलों में जो ग्रामर जो है वो आती ही आती है, उसके अलग से बुक भी, और उसका जो प्रिस्क्राइब किया गया सिलेबस वो किन किन चीज़ों को कवर करता है, उसके अंदर है वर्ड, वर्ड्स एंड वर्ड फॉर्मेशन। पहला है वर्ड एंड वर्ड्स फॉर्मेशन, ठीक है, ये इस तरह से इंक्लूड किया गया है। फिर है पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी आपने देखा होगा, पार्ट ऑफ स्पीच भी आपके साथ होता है। फिर आपका टेंस, क्या क्या चीजें मतलब आपके एक प्रिस्क्राइब की गई उसके अंदर सेंटेंस एंड देयर डिफरेंट काइंड्स, सेंटेंस एंड डिफरेंट काइंड्स, ये जो हमारे ग्रामर के अंदर प्रिस्क्राइब सिलेबस दिया गया उसके बारे में बात करें। आपके भी ये क्वेश्चन पे आता है कि कौन कौन किस किस चीज़ों को कौन कौन सा सिलेबस ऐड किया गया, तो आपने जितना भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर दें। जैसे क्लोजेस है, क्लोजेस के बाद में आपका प्रीफिक्स है, सफिक्स है, इडियम्स है, ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ पर जनरली आपकी की गई है। प्रीपोजिशन है, पंक्चुएशन मार्क है, प्रीपोजिशन पंक्चुएशन मार्क, ये सारी चीज़ें आपकी उस सिलेबस के अंदर प्रिस्क्राइब की हुई है, जो कि आपको अधिकतर पता भी है कि क्या क्या आती है, तो वो चीज़ें आप सब लिख सकते हैं। आपको ग्रामर टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, क्यों प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाई जाती है, तो ये इसलिए पढ़ाई जाती है, इसके 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको बताएं। उसके अलावा प्राइमरी क्लासेस के अंदर हमारे जो इंडिया के अंदर प्रिस्क्राइब जो सिलेबस है वो किन किन चीज़ों को कवर कर रहा है वो आपको लिखनी है। तो आपको बताया आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़े हुए, प्रीफिक्स सफिक्स पढ़े हुए, इडियम्स पढ़े, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड करके आंसर अपना कंप्लीट करना। तो यदि और इसमें आपको समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे आप इजीली जो क्वेश्चन अभी पंक्चुएशन मार्क आ रही है, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स आ रहा है, फिर आपका ग्रामर स्ट्रेटेजी सारा, तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही 9th 10th 11th 12th में पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है, उसको एक्सप्रेस करना है बाय राइटिंग। थैंक यू सो मच।